नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आप सभी लोगों के समक्ष आया हूँ। बहुत ही खुशी का मौका है और शायद ऐसा सौभाग्य मुझे पहली बार मिल रहा है, मोशन परिवार को पहली बार ऐसा मिल रहा है। जब मैं आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए हैं, क्योंकि ऐसी ऊर्जावान और ऐसी कहानी मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या कर दिखाया है। मेरे को आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे माता पिता गौरव जी और गौरांशी, जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल देश के लिए लाया है, जो कि मेरे हिसाब से हमने कभी सोचा नहीं था। हमारी राजस्थान की बेटी, हमारी रामगंज मंडी की बेटी ने ये कर दिखाया जो हमने कभी नहीं सोचा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौरांशी बचपन से बोल और सुन नहीं सकती और उनके माता पिताजी भी बोल और सुन नहीं सकते। 2 मिनट लूंगा पर यह कहानी आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के रामगंज मंडी शहर से। कहानी है जुनून की, संघर्ष की, माता पिता की तपस्या की, दादी दादा दादी के प्यार की और शिक्षक के अपने कर्तव्य की। कैसी कहानी है मैं आप सभी लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। कहानी रामगंज मंडी से शुरुआत होती है। एक बेटी ने जन्म लिया जिसकी उम्र आज 15 साल है और उसने गोल्ड मेडल ला के बताया। जब जन्म हुआ तो पता पड़ा कि बेटी बोल और सुन नहीं सकती। माता पिता भी पहले से सुन और बोल नहीं सकते थे। तो जब ऐसा नहीं हो पाया तो उनके पिताजी जो गौरव जी थे, वो भी बचपन से कुछ स्पोर्ट्स में करना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि हम कई बार कहते हैं कि हमारे माता पिता जो अपने सपने हैं वो हमारे माध्यम से जीते हैं। जब आप जीवन में कुछ बनते हैं तो सिर्फ आप अपने सपने पूरे नहीं करते, अपने माता पिता के, अपने समाज के, अपने दादा दादी के, कईयों के सपने आप पूरे करते हैं। गौरांशी ने आज वही कर दिखाया है। तो जब पिताजी ने सोचा कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाया स्पोर्ट्स में, पर गौरांशी को जरूर कुछ कराऊंगा, 5 साल की उम्र से उसे तैरना सिखाया। 5-6 साल की उम्र तक जब तक उसे तैरना सिखाया तो गौरांशी बहुत बढ़िया तैरने लगी रामगंज मंडी में। बहुत सारे अच्छे तैराकों को भी वो हराने लगी। पर जब भी वो कम्युनिटी हॉल से बाहर आती, वहाँ पे कुछ बच्चे बैडमिंटन भी खेला करते थे, तो पिताजी को लगा कि गौरांशी का इंटरेस्ट उधर की तरफ है। और वहाँ पे साइना नेहवाल का जो है फोटो लगा होता था, पोस्टर लगा होता था, उसकी तरफ गौरांशी इशारा करती थी। जब इशारा करती तो पिताजी को पता पड़ गया, बिना बोले बिना समझे जो आत्मीयता की भावना होती है उससे जुड़कर उन्हें पता पड़ गया कि मेरी बेटी जरूर कुछ ना कुछ बैडमिंटन में कर पाएगी। उन्होंने ठान लिया कि मैं इसको कुछ ना कुछ कराऊंगा। घर आए, पंखे से शटल लटकाई, यानी कि कॉक लटकाई, और उसे प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस करी। जब गौरांशी का अपनी इसके प्रति समर्पण देखा तो लगा ये कुछ ना कुछ कर सकती है। कुछ वर्षों तक वहाँ पे प्रैक्टिस कराई, फिर इसको भोपाल ले गए। जब भोपाल पहली बार लेके गए तो वहाँ पे जो कोचेस थे, जो वहाँ का मैनेजमेंट था, उसने मना कर दिया कि हम ऐसे बच्चा जो सुन और बोल नहीं सकता वो कैसे प्रैक्टिस कर पाएगा ऐसे शिक्षकों के संरक्षण में, जो कि ऐसे ही बच्चों को सिखाते हैं जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पहली बार में मना कर दिया गया, पर पिताजी ने कर्तव्य से ठान लिया था कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ बनाऊंगा। मंत्रियों के पास गए और उनका साथ दिया गया। उनके लिए भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं जिन्होंने साथ दिया, और मैनेजमेंट को समझाया कि नहीं, इसे आप लीजिए। फिर गुरु को भी लगा कि जिसमें इतनी शिद्दत है, जो जुनून है कि नहीं मैं कुछ करना चाहता हूं, तो इसे लिया गया। और इनकी जो कोच है रश्मि माली जी, वो कहती हैं कि एक भी दिन इन्होंने प्रैक्टिस मिस नहीं करी, एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं करी, ये उनकी खुद कोच कहती हैं। कोच को शुरुआत में सिखाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो माता पिताजी वहीं पर शिफ्ट हो गए भोपाल में, और उन्होंने वहीं रहकर इसकी पूरी कोचिंग कराई। उन्होंने साइन लैंग्वेज कोच को भी सिखाई, और उन्होंने भी कोच ने ये साइन लैंग्वेज सीखकर इनको प्रैक्टिस कराई। निरंतर ये बढ़ती रही, बहुत सारे टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते। 2021 में जब ओलंपिक्स होने वाला था, तब उसके 2019 में ही तैयारी पूरी चल रही थी शिद्दत के साथ, पर 2019 में कोरोना काल आ गया, सारे कैंपसेस बंद कर दिए गए, पर ठान लिया था कि कुछ ना कुछ करना है। पिताजी वापस रामगंज मंडी घर लेके आए बेटी को, और रोज उसे 25 किलोमीटर साइकिलिंग, 5 किलोमीटर वॉक, तैराकी, ताकि स्टेमिना बना रहे, और घर पे ही प्रैक्टिस कराते रहे। जब वापस कैंप शुरू हुआ तो जाना शुरू करा, पर 2021 में आप सब लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से ओलंपिक्स नहीं हो पाए, तो 2022 की तैयारी शुरुआत करी। और आप सभी लोगों को जानकर खुशी होगी कि गौरांशी ने ब्राजील में देश के लिए गोल्ड मेडल लाके हमको बताया, पूरी राजस्थान की धरती को, पूरे देश की धरती को गौरवान्वित करके बताया, और यह सिद्ध कर दिया कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं गौरांशी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, ऐसी भावनाओं का, ऐसे माता पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसी बेटी राजस्थान को, देश को ऐसे दी। शायद हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे कैंपस में भी गौरांशी आई है, हमें राजस्थान की धरती से आप बिलोंग करती हैं। फिर से मोशन परिवार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं नितिन विजय आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।